রাঙলি জিয়রি কিনু হয় ওই হাই রাঙলি হে হাসুটি বাই জোয়া সাদেন কোনা হাসুটি বাই জোয়া সাবে কোনা হাসুটি হাসুটি এইটো কি সো গাইজ দেখিয়ে ইয়ে মেরি মম্মি কি ডায়েরি থি ও গানা গাতি থি পেলে 2005 তো বেটা পাতা নাই কাহা সে খোঁজ কে নিকালা উসকো পাপা উসকো পড় কে হাম লোক সে গানা গাড়ে আর ইয়ে হে মক্খন দুধ কা মালাই আর উসকো মে অভি মেরে স্কিন পে লগা রহি হু ইয়ে একচুয়ালি मैं स्क्रब कर दी थी तो इस पर घाव हो गया था वो लेसरेशन होके और घाव का जो है दागी बैठ गया इस पे कुने जो मिसाई जुड़ी दापुन फुलर पतोर हजुन कसुन ए गाँव अपुन अपुन ए गाँव मिसे अपुन How are you all? I'm Sangeeta and I welcome you to my channel Eastern Vlogger SDPD. देखिए पापा पापा देख रहे हैं मोनू का यूट्यूब वीडियो और पता नहीं कहाँ से मिला अभी इतना इतने दिनों के बाद दीपक कलाल और मोनू का झगड़ा देख रहे हैं पापा दीपक कलाल और ये देखिए इतने दिनों के बाद पता नहीं कहाँ से आज देखे हैं पापा मोनू और दीपक कलाल का झगड़ा तो गाइस अभी मैं एक्चुअली आई हुई हूँ गांव पे आप लोग को पता चल गया पापा को देखिए और थोड़ा प्लानिंग था कि खेत जाके कुछ सब्जी हरी पत्तियाँ तोड़ के लाऊं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लोकल वाली पर चाची लोग जो है वो मुझे छोड़ के वो लोग चले गए हैं तो अभी मैं अकेला मुझे जाना पड़ेगा फिर मैं अकेला मैं नहीं जाऊंगी तो मैं बेटे को बोली चलो बोल के तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसलिए आ तो साइकिल फोन लोगे ना तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसलिए सब्जी तोड़ने बागान और ये देखिए हेलो एक हाँ चलो हुई मेरा पिता जवान हो गया मोर को उठा के घुमा दे सकते हैं अभी तो अभी मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा लोकल में एटलीस्ट मैं इसे चलाने सिखा रही हूँ और ये मुझे कहीं कहीं लेके जाता है मार्केट वार्केट लेके जाता है मुझे अपने लोकल में क्योंकि इसका तो अभी ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा नहीं तो ये मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ इसको बट इज गेटिंग परफेक्ट तो अच्छा चला लेता है वो गद्दार को देखिए ये है दोनों गद्दार जो कि मुझे छोड़ के ये लोग चुपके से आ गए रास्ता से बस चिल्ला रहे थे कि जा रहे हैं हम लोग बोल के देवन दे दिन टू वेट फॉर मी नहीं ऐसे नहीं होगा चलो ढेकिया कोट ओके एक ने की हाक है ओ दिमो पुखा ओके बाउ ना भले बाउए माय बुली कहा तो हम लोग का देवरी में माय बोलने वाला मतलब लड़की को प्यार से माय बोलने से वो प्यार की एक बोली होती है तो इसलिए मैं बोली भाले आको माय बाउए आको माय माय बोलने से बहुत अच्छा लगता है अभी हम लोग बड़े हो गए पर अभी भी अगर माय बोलता है कोई हमसे बड़े तो वो बहुत प्यार से बुला रहा है ऐसा टाइप का होता है लड़कियों को और लड़कों को बाबू बोलते हैं और लड़कियों को माय हाँ ढेकिया का ढेकिया सब्जी तोड़ना पड़ेगा अभी एकदम लास्ट पे जो गेट जैसा दिखाई दे रहा है आपको वो है हम लोग का थान हम लोग का मंदिर यहाँ पे है मैं ऐसे जगहों पे मशरूम्स मिलते हैं तो अभी हो जाएंगे मशरूम देखो सांप वाप होगा
ये मशरूम ये है मशरूम मशरूम बहुत कम थी। ओ याद है इसी पेड़ पे नाफू मशरूम निकलते हैं और ये हम लोग का मशरूम खेती करने वाला पेड़ अपने आप होता है पर हम लोग का है इसलिए बोली। तो हम लोग हमेशा मशरूम खाने से इसी पेड़ से जब यहाँ उगता है तो हम लोग लेके जाते हैं। आया ओ नहले में खुजली पत्ता होता है ना वो बदन पे लगेगा तो गया मोट आस ना घर हाँ बाओ ना मोटी आया क्या कभी कम कि एक हाक एडालो ना हरी क्या कमुले नह हम क्या कमुले इत मोर रूट ऑफ बेम्बू देखिए बेम्बूस के रूट कितने भयानक होते हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो इसको अगर एक आर्ट के नज़र से देखोगे या फिर इस पर अगर कुछ ये करके पेंटिंग वेंटिंग कर देगा तो कितना सुंदर लगेगा। देखिए गोथक 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 अरे ये तो धमना बांधी गोल गे। तो फिर गाइस हम लोग को कुछ नहीं मिला कुछ भी नहीं। ऐसा मौसम है अभी कि ना मार्केट पे कुछ खाने को मिलता है और ना यहाँ यहाँ एक्चुअली था पर उस दिन पापा जो है उस पर जो घास मरने के दवाई मेडिसिन होता है वो पूरा स्प्रे कर दिया था। तो उस पर जब स्प्रे करते हैं आप घास मरने वाला मेडिसिन उस पर जो है सब ख़त्म हो गया सब ख़त्म हो गया। अभी बिल्कुल भी सब्जी एक भी नहीं है ना सब्जी है ना जंगल है साफ़ हो चुका है। वैसे मैं पहुंची नहीं वहां तक क्योंकि चाची लोग मेरे पहले जाके वापस आ गए थे। तो फिर कैसे देखते रहिए वीडियो को। अभी आई हुई हूं मैं गांव पे और अभी क्या क्या करेंगे देखेंगे। वैसे कुछ खास कुछ प्लानिंग नहीं है पर वही है घर का काम वाम करना है। आज तो कारण तो ना कपड़ धूल कपड़ा इतना ज़्यादा भिगा के रखी हूँ वॉशिंग मशीन पर कारण नहीं है तो उसको बाहर निकल के ही धुलाना पड़ेगा अगर ज़्यादा देर तक कारण नहीं आएंगे तो। क्या हाल साइकिल खन कुछ नहीं हवा कम था हवा थोड़ा पहले तो तुम हवा मार रहा डाल रहा था इसमें पूरा नहीं उठा ना कोपा हवा उला ऐसे नहीं कि फैंस फैंस के आवाज कर से जे गुस्सा रहे वो ये पंप खराब है गाइस मेरा हाथ दर्द हो रहा है हाथ उठा के फोन उठा के सो गाइस ये देखिए ये है जंगल की सब्जियां इसका भी हम लोग पकाएंगे। जबड़ा बोले तो पत्ता साग को जो लंबा लंबा करके ऐसे ऐसे करके इसको बारीक नहीं कटना पड़ता है इसको बड़ा बड़ा करके ऐसे बॉयल बनाते हैं जो उसको बोलते हैं हम लोग जबड़ा। और ये सब जो भी हरी पत्तियां हैं हम लोग अगर तेल से फ्राई करेंगे तो उसमें जितना टेस्ट होगा तो गाइस क्योंकि हम लोग को बॉयल खाने का आदत है तो बॉयल खाने से और भी ज़्यादा मन को छू जाता है बिल्कुल पेट भर जाता है। तो अभी ये सब हम लोग साफ करेंगे और इसका जो है जबड़ा बना के खाएंगे। हे गाइस अभी जस्ट कपड़ा सुखाई में मेरा बैक बिल्कुल ऐसा हो गया बिल्कुल मतलब बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गया थोड़ा सा ऐसे झुकती हूँ तो दर्द होता है।
तो यहाँ से आप लोग को पता है मेरा सबसे छोटा वाला चाचा का घर है ये। वहाँ से अभी मैं कपड़ा सुखाते समय मेरे चाचा ने मुझे आवाज़ लगाया। एक्चुअली अभी 3-4 दिन पहले जो है उनका एक इंसिडेंट हो गया था, कुछ ऐसे केमिकल बर्न ऐसा, तो मुझे पता नहीं था। मैं कल आके सुनी, मेरे पापा बोले तो मैं साथ साथ गई, जाके थोड़ा सा ड्रेसिंग कर दी और उनको देखी कैसा है। तो अभी चाचा मुझे आवाज़ लगाया कि अगर फ्री हो तो, चाचा ने मुझे आवाज़ लगाया अगर फ्री हो तो आके इंजेक्शन लगा दो और ड्रेसिंग को चेक कर दो बोल के। हो दादी, ओ ये ऐसा हाय, यही से आवाज़ लगाया था मुझे। और देखिए गाइस, ये मेरा चाचा का हालत देखिए, देखा देखा गाल खून देखा, एक बार देखा, ये देखिए यहाँ पे बर्न हुआ था और हाथ दे, ये थोड़ा सा बस यहाँ में था, ये है मेन, देखिए। तो अभी थोड़ा सा इसको मैं साफ कर दूंगी और सॉरी 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 इंजेक्शन लगा, और ड्रेसिंग हॉल ड्रेसिंग कर लिए चाचा दे खुद से, और अभी इंजेक्शन लगा देती हूँ। बहुत थक चुकी हूँ सुबह से, एक्चुअली थकना वो नहीं है, एक्चुअली मेन बात है कि बदन का मेन अगर बैकबोन ही ठीक नहीं है तो फिर कोई भी काम आप ढंग से कर नहीं सकते हैं, मेन बात वो है। इंजेक्शन लगेगा, तो इंजेक्शन हो गया रेडी और अभी लगाएंगे चाचा को इंजेक्शन। हे गाइस, तो फिर यही था मेरा आज का वीडियो। वीडियो और ज़्यादा सुख नहीं करूँगी क्योंकि तो बहुत लंबा हो जाता है वीडियो हमेशा, और विश कीजिए मेरा चाचा का जल्दी से ठीक हो जाए ये। तो फिर आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कर दीजिए, और जो है कम से कम 50% से ज़्यादा लोग, 54% ऐसा लोग जो है मेरे वीडियोस को देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, बस 46 कुछ ऐसा परसेंट लोग ही सब्सक्राइब किए वाले हैं जो वीडियो को देखते हैं मेरे। तो मैं सबसे मतलब जितने भी देखते हैं उनके हिसाब से बोल रही हूँ, और कितने तो है देखते ही नहीं हैं, तो इसलिए जिन्होंने भी बिना सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को देख रहे हैं जो वो 54% में से हैं, मैं काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ सभी को कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस अच्छा लगता हो, अगर आप लोगों को मैं अच्छी लगती हूँ, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।